गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल तो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम अपना ए डब्ल्यू एस अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं विदाउट यूजिंग आवर पर्सनल कार राइट तो यहाँ पे हमारे पास दो मेथड आते हैं right? राइट तो चलते हैं हम हमारे स्क्रीन पे सबसे पहले तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे सब पहला जो हमारे पास मेथड होने वाला है राइट right? वेट कलर और सबसे पहला जो हमारे पास मेथड होने वाला है वो होने वाला है ए डब्ल्यू एस एजुकेट राइट तो ए डब्ल्यू एस एजुकेट कुछ नहीं है एक सिंपल सा पोर्टल है हमारे ए डब्ल्यू एस का जहां पे आप जाके डायरेक्ट ही अपना क्या कर सकते हैं रजिस्टर कर सकते हैं साइन अप कर सकते हैं और ये बेसिकली फ्री होता है किसके लिए स्टूडेंट्स के लिए राइट right? तो मैं इसको कर देता हूँ ए डब्ल्यू एस एजुकेट ए डब्ल्यू एस एजुकेट राइट और सेकंड right? हमारे पास जो होता है हमारे पास वो होता है एयरटेल पेमेंट बैंक राइट तो मैंने यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक का एग्जाम्पल लिया है आप चाहे तो कोई दूसरा भी अपना वर्चुअल कार्ड यूज कर सकते हैं बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि हमें एक वर्चुअल कार्ड मिलता है और उस वर्चुअल कार्ड को यूज करके हमें हमारा अकाउंट बनाना पड़ता है राइट तो वो आपको यहाँ पे देखना है कि कैसे हम बनाते हैं तो मैं दोनों के बारे में आपको बताऊंगा तो पहला तो था हमारे पास ईडब्ल्यू एस एजुकेट और सेकेंड हमारे पास जो मेथड है वो है हमारे पास वर्चुअल कार्ड राइट तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसे वर्चुअल कार्ड राइट तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ई डब्ल्यू एस एजुकेट के अंदर हम कैसे बनाते हैं हमारे इस कार्ड को तो चलते हैं हमारी स्क्रीन पे तो यहाँ पे जैसे ही आप स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ मैं लिखता हूँ ई डब्ल्यू एस एजुकेट राइट जैसे ही आप ए डब्ल्यू एस एजुकेट लिखेंगे आपके पास फर्स्ट लिंक आ जाएगा आपको उसके अंदर जाना है राइट right, और आपको रजिस्टर्ड नाव पे क्लिक कर लेना है जैसे ही आप रजिस्टर्ड नाव पे क्लिक कर लेंगे तो वहां पे आपके लिए एक डैशबोर्ड खुल जाएगा राइट right, तो उस डैशबोर्ड को मैं एक बार आपको लॉग इन करके बता देता हूं तो जैसे ही आप इसके अंदर लॉग इन करेंगे राइट लॉग इन करते ही आपके पास यहाँ पे ऐसी स्क्रीन आ जाएगी तो आप लैब्स पे क्लिक कीजिए और आप एक्सेस कर सकते हैं कोई सी भी लैब्स जो है यहाँ पे राइट जो जो इन्होंने दे रखी है राइट तो इसके अंदर बहुत से लिमिटेड होते हैं कि आप बस यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आप यहाँ पे लॉग इन करते हैं और स्टूडेंट की तरह आप यहाँ पे चीज़ों को सीखते हैं राइट अब चलते हैं हम हमारे सेकंड मेथड की ओर तो सबसे पहला जो आपको काम करना है ये फर्स्ट मेथड तो हमारा कंप्लीट हो गया राइट तो फर्स्ट मेथड अगर आप करना चाहते तो करिए मगर मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आप फर्स्ट मैथड से जा रहे हैं तो शायद आप इन चीज़ों को मत करिए क्योंकि ये बेसिकली जो है बहुत बेसिक पर्पस के लिए होता है जिसके थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज को भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे राइट right? तो सेकंड मेथड जो है जहां पे आप अपना पर्सनल क्रेडिट कार्ड को यूज़ नहीं करना चाहते या पर्सनल डेबिट कार्ड को यूज़ नहीं करना चाहते तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो यही करना है कि जाना है आपको अपने गूगल प्ले स्टोर पर राइट और वहां से जाके आपको क्या करना है सबसे पहला काम जो करना है वो है एयरटेल पेमेंट बैंक को आपको इंस्टॉल कर लेना है जैसे ही आप इस चीज को इंस्टॉल करते हैं फिर चलते हैं हम हमारी सेकंड स्लाइड की ओर तो second, उसके बाद आपको जैसे ही आप यहाँ पे इस स्क्रीन पर आएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा वहां पे लिंक की ओर एयरटेल पेमेंट बैंक तो आप बेसिकली इसको लिंक कर सकते हैं क्योंकि बेसिकली हमारे पास क्या होता है एक अगर कार्ड जनरेट करना होता है तो वो पीछे भी बैकहेंड में भी किसी एक बैंक से जुड़ा हुआ होना चाहिए राइट तो लिंक कर लेना है आपको उस अकाउंट में बेसिकली उसमें कुछ आपकी चीजें जो है शेयर ये सब नहीं होती है राइट फिर चलना है आपको थर्ड स्टेप जो है हमारी क्या है सबसे पहले आपको फाइव रुपीज ट्रांसफर कर लेना है किसी भी आपके पास जो भी बैंक अकाउंट है या कोई जो भी आपके पास वॉलेट है आपको एक यूपीआई मिल जाएगा आप जैसे ही अपना बैंक अकाउंट को लिंक करेंगे वहां पे आपको एक यूपीआई मिल जाएगा और इस यूपीआई के थ्रू आपको क्या कर लेना है किसी भी अपने वॉलेट से फाइव रुपीज आपको ट्रांसफर कर लेना है अपने एयरटेल पेमेंट बैंक में और उसके बाद आपको ओपन करना है अपना एयरटेल पेमेंट बैंक तो आपको एक स्क्रीन ए, इस टाइप की कुछ दिखेगी राइट तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है राइट आपको लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे क्लिक करना है तो आपको वहां से प्रोफाइल में जाना है जैसे ही आप प्रोफाइल के अंदर जाएंगे तो वहां पे आपको एक चीज दिखेगी बैंक प्रोफाइल करके राइट तो उस बैंक प्रोफाइल के अंदर आपको क्लिक करना है और जैसे ही बैंक प्रोफाइल में जाएंगे तो आपको क्या करना है लेफ्ट साइड में स्वाइप करना है इसे जैसे ही आप इसे स्वाइप करेंगे तो आपको एक अपना वर्चुअल कार्ड दिख जाएगा राइट अब ये वर्चुअल कार्ड तो आपका जनरेट हो चुका है और मैंने ये चीजें आपको क्यों बताई है ताकि आप कभी भी अपने ए डब्ल्यू एस यहाँ पे चलते हैं हम यहाँ से लॉग आउट कर लेते हैं राइट तो यहाँ पे आप जब भी जाएंगे ए डब्ल्यू एस कंसोल के अंदर तो यहाँ पे आप लॉग इन तो कर लेंगे साइन अप भी कर लेंगे मगर आप कुछ भी सर्विसेज को यूज नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपके पास कोई अपना वर्चुअल कार्ड या कुछ आप यहाँ पे रखते नहीं है, राइट तो उसके लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है यहाँ से वर्चुअल कार्ड जनरेट कर लेना है और जैसे ही वर्चुअल कार्ड आप जनरेट करेंगे आप सारे स्टेप्स तो शायद पहले कर ही चुके होंगे कि साइन अप का बस आप यहीं पे ही अटक रहेंगे तो इस स्टेप को करने के लिए आपको वहाँ से वर्चुअल कार्ड की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सब आप यहाँ पर दे सकते हैं राइट अब बेसिकली कोई बिल इतना आता नहीं है राइट और बिल आएगा भी तो आपके इस वर्चुअल कार्ड पे आता है ना कि उस पर और बिल वैसे अगर एज ए स्टूडेंट आप कर रहे हैं तो वेव ऑफ़ हो जाते बहुत से बिल भी राइट आपको एक सिंपल एक कॉन्टेक्ट में जाके उनको कॉन्टैक्ट करना पड़ता है कि यस ये जो हमने किया है वो लर्निंग पर्पज़ के लिए किया है राइट तो ई एक बहुत अच्छा क्लाउड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जो ये पोस्ट क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड होते हैं इनके थ्रू भी आप ये चीज़ें सीख सकते हैं राइट तो यही था आज का वीडियो क्योंकि हमने काफ़ी सारे प्रैक्टिकल किए और इन चीज़ों को बता देना मुझे पहले ही चाहिए था मगर चलो कोई बात नहीं अब मैंने इसको बता दिया है right? राइट और अगर आपकी कोई भी क्योरी हो इससे रिलेटेड तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल